तो आज घर पर बन रहे हैं कराची बेकरी जैसे बहुत ही टेस्टी टूटी फ्रूटी वाले बिस्किट। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, बहुत अच्छे बनते हैं। तो आधा कप बटर ले लिया है, इसे पहले आपको फेंटना है। बटर अगर आप ठंडा लेंगे तो अच्छे से उसे फेंटना है ताकि उसमें एयर आ जाए और बहुत ही सॉफ्ट वो मक्खन हो जाए। अब आधा कप शक्कर डालकर उसे छान कर फिर मिक्स करना है। जी हाँ, छानने से इसके अंदर के लम्स या फिर जो भी गुठलियाँ हैं वो हट जाती हैं, और इसे भी बटर के साथ बहुत अच्छे से फेंट लेना है। इतने अच्छे से फेंटना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और बटर और शक्कर काफ़ी हल्की हो जाए। आप इस प्रोसेस को बिटर से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें लगभग हाफ टेबल स्पून सूजी डाली है और इसे भी मिक्स कर लेना है। और अब आप देखिए कि ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो चुका है, हमने बोल को टर्न करके भी दिखाया है। अब एक कप मैदा लेना है, 1/8 कप कस्टर्ड पाउडर, साथ ही डालना है 1/8 कप मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को छान लेना है दोस्तों। छानने से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और फिर आपको मिलाना है, हल्के हाथों से मिलाना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं मिलाना है, वरना बटर के अंदर जितनी भी एयर आई है वो इसमें से हट जाएगी। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इसे मिलाना है। थोड़ा सा आप इसमें वनीला एसेंस या मिक्स फ्रूट एसेंस भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे टूटी फ्रूटी, तो हमने यहाँ पर लगभग 1/3 कप टूटी फ्रूटी डाली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसका डो अच्छे से बाइंड करना है। अब दोस्तों, इसे हमें फ्रिज में रखना है, लेकिन हम इसे रोल करके रखेंगे। तो अच्छे से आप कोई बटर पेपर या फिर बेकिंग पेपर के ऊपर रोल कीजिए, अच्छे से फोल्ड कीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद हमें इसे कट करना है अच्छे से फ्रीज में। जब ये ठंडा होता है और फिर ये बेकिंग के लिए जाता है तो बिस्किट बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अब इसकी परफेक्ट कटिंग करनी है, शार्प नाइफ लेना है ताकि इसकी पीसेस जो हैं वो अच्छे से हो जाए। और इसे बेक करने के लिए रखना है लगभग 180 डिग्री पर, आपको इसे प्रीहीट करना है और 170 डिग्री पर 11 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। तो आज मम्मी जी कोकोनट कुकीज़ भी बना रहे हैं, तो दो तरीके के बिस्किट घर पर बन रहे हैं। तो ये देखिए, पहला बिस्किट का बैच हमने डाल दिया है और अब सेकेंड बैच जो है वो कोकोनट कुकीज़ का है। इसकी रेसिपी हमने आपको पहले भी दी है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, हमने इसे 11 मिनट के लिए पकाया है और दोनों बिस्किट अच्छे से पक चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इसे तुरंत नहीं निकालना है, थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए उसके बाद ही हमें इसे तोड़ना है या फिर किसी डब्बे में या जार में भरकर रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, कोकोनट कुकीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी हैं, लेकिन दूसरे बिस्किट अभी गर्म है तो हम उसे तोड़ेंगे नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।